हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिनेटीवी ओडिशा। तो फ्रेंड्स, आज आम यही वीडियो रे डिस्कशन करिबा कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर 2021 किछि इंपोर्टेंट पॉइंट उपरे। तो आप मैंने समस्ते जानते वर्तमान हिंदी सांस्कृत एंड पीटी टीचर पर वर्तमान ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश हो सारी। तो एथिपाई को मैंने आवेदन करेंगे, एप्लीकेशन फी केत अच्छी, एज लिमिट कौन रही, एग्जाम पैटर्न कौन रही, कौन केत मार्क एग्जाम क्वेश्चन आसो, सिलेबस कौन रही, सहित आपण मान वयस सीमा एवं क्वालिफिकेशन समस्त डिटेल्स आम वीडियो रे डिस्कशन करिबा। तो वीडियो शेष पर्यंत देखंतु, आपमन समस्त डिटेल्स पाई परिबे। तो देखंतु, एटी मु प्रथम कहिरोक जे आपमन पई जे आपमन को ऑनलाइन अप्लाई करिया पड़िबो। तो तार ऑफिशियल वेबसाइट रहिछि dsuodisha.in, एही वेबसाइट जे आपमन समस्त डिटेल्स देखि परिबे, पीडीएफ पाई परिबे, ता सहित ऑनलाइन अप्लाई करि परिबे। तो देखंतु, ऑनलाइन अप्लाई आरंभ होछि 23/8/2021, 23 अगस्त आपन ऑनलाइन अप्लाई आरंभ ऑनलाइन अप्लाई होची, और लास्ट डेट रही 14/9/2021, 14 सेप्टेम्बर होची अप्लाई करिया पई शेष तारीख। आपन टेंटेटिव एग्जाम डेट मते मेंशन रही, तो टेंटेटिव एग्जाम डेट होची फर्स्ट वीक ऑफ अक्टोबर। तो आपन टारगेट करिवे जे अक्टोबर फर्स्ट वीक रे आपन एग्जाम होची, एटा मेबी डिले हे पारे, एटा फिक्स डेट नो, टेंटेटिव एग्जाम डेट रही, किछि दिन पर आपन फिक्स डेट आसीबो। तो आपन टारगेट करंतु जे फर्स्ट वीक अक्टोबर आपन एग्जाम हम, तो से हिसाब से आपन प्रिपरेशन जोरदार करूँ, कहीं 6-7 वर्ष पर आप हिंदी सांस्कृत पीटी आसूँ, तो से आप फुल दम प्रिपरेशन करूँ। फर्स्ट वीक अक्टोबर को टारगेट रखिक आप निहती सक्सेस हे। तो देखो, कौन के पोस्ट रही है, ये आम डिटेल्स देखने। तो हिंदी टीचर पर 2055 पोस्ट, सांस्कृत पर 1304 पोस्ट, आ फिजिकाल एजुकेशन टीचर पीटी 1260 पोस्ट वैकेंसी रही। तो देखो, एज लिमिट देखने प्रथम आम, तो देखो एज लिमिट रही, बयस सीमा रही 1/1/2021 सुधा, 21-32 वर्ष मध्य होता आवेदन करेंगे। आउ अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन रही कौ मान देखु, एससी एसटी एससीबीसी एवं समस्त महिला कैंडिडेट मानक 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन रही, तो से 21-37 वर्ष पर्यटन आवेदन करेंगे। आज जो मैंने रही पीडब्ल्यू अच्छे से 10 वर्ष एज रिलैक्सेशन रही। तापर देखंतु क्वालिफिकेशन कौन रही, देखंतु क्वालिफिकेशन आप सांस्कृत टीचर पर आप बैचलर डिग्री करेंगे, सांस्कृत इलेक्टिव ऑप्शनल ऑनर्स पास जहाँ भी हो, आप पास ऑनर्स ऑप्शनल इलेक्टिव जहाँ भी हो, सांस्कृत करेंगे, बैचलर डिग्री करेंगे, 50% मार्क थी को मानकर ना जनरल मानक ओबीसी मानक, आउ एससी एसटी पीडब्ल्यू एससीबीसी 45% रखी थे ये एलिजिबल अटंती। ता सहित शिक्षाशास्त्री सांस्कृत गोटे कोर्स करवश्यक, किंवा आप शास्त्री करते सांस्कृत 50% थी जनरल पिला, आउ एससी एससीबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यू 45% थे ये एलिजिबल अटंती। ता सहित शिक्षाशास्त्री करते सांस्कृत एलिजिबल अटंती। तापर देखंतु, हिंदी टीचर पर रही से भी आप बैचलर डिग्री करेंगे जेकोसी यूनिवर्सिटी हिंदी, आप इलेक्टिव ऑप्शनल पास ऑनर्स जहाँ भी हो, आप 50% मार्क जनरल पे आउ एससी 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 एसटी एससीबीसी पीडब्ल्यू आप 45% रही, यहाँ समस्त सब सेम रही। ता सहित आपको हिंदी ए तीन टा भितर जेकोसी गोटे करेंगे, हिंदी शिक्षण पारंगत करेंगे, किंवा बीएचडी करेंगे, किंवा बीएड करेंगे हिंदी में, ताले एथिपे एलिजिबल अटंती। किंवा आप बैचलर डिग्री करेंगे, मिनिमम 50% मार्क रखिथे एग्रीगेट जनरल पिला, एससी एससी एसटी एससीबीसी 45% थी। ता सहित आप राष्ट्रभाषा रत्न करेंगे, किंवा शास्त्री हिंदी करेंगे, किंवा स्नातक करते एलिजिबल अटंती। एथिरे आप समस्त मेंशन रही। देखो, फिजिकल एजुकेशन टीचर पीईटी रही, मिनिमम प्लस टू पास करेंगे, ता सहित आप सीपीईडी करेंगे, किंवा बीपीईडी किंवा एमपीईडी जहाँ भी करते एलिजिबल अटंती। तापर देखो, ये आप देखने जे हाँ समस्त बहुत पिला कमेंट सेक्शन कमेंट करते जे सार आम ओसीटी पिला जो मैंने 2021 एग्जाम देवे से मैंने एलिजिबल अटंते कि ना, तो से अनुमति दि जाए 2021 जो मैंने ओसीटी एपेयर कर हिंदी सांस्कृत पीटी भाग नहीं पारे। तो से ये कौन कही आप जो सीबीटी एग्जाम जो मार्क आसो सीटा आप मैंने शॉर्टलिस्ट हेबा पूर्व आप माने जो मार्क को आपने अपडेट करेंगे, अपडेट करेंगे, ता सहित आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय ओटीटी पास सर्टिफिकेट आपको सही प्रोड्यूस करने को पड़ो। तो बहुत खुशी खबर, यही वर्ष जो मैंने ओटीटी एग्जाम देते एलिजिबल अटंती।
ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି କେତେ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହିଛି 600 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ SBC OBC ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି SC ST ଆଉ PW ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ 400, SC ST PW 400, ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ 600 ଟଙ୍କା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର କଥା କହିଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ଆପଣ ତିନିଟା ଅପସନ୍ ମିଳିବ, ସେ କହିଛି ତିନିଟା ଅପସନ୍ ମିଳିବ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ପାଖ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ହେବ ସେଇଟା ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କୁହାଯିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ କେବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାଯିବ। ତ ଏଇଠି ପୁଣି ଥରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଅକ୍ଟୋବର 1st ୱିକ୍। ତ ଏଇ ଅକ୍ଟୋବର 1st ୱିକ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜୋରଦାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିହାତି ଭାବେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ। ତା'ପରେ ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍, ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମେଥଡ୍ ରହିଛି, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ତ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଦୁଇଟା ପେପର୍ ହେଉଛି, ପେପର୍ 1 ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର ନଲେଜ୍ ରହୁଛି, ରିଜନିଂ ରହୁଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହୁଛି, ଆଉ ପେଡ଼ାଗୋଜି ସେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି 90 ମାର୍କ ରହୁଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛି ନା 25% ମାର୍କ ରଖିଲେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ, 90-25% ମାର୍କ ଆଣିବ ତାହେଲେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ SC ST PW ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ 20% ମାର୍କ ରଖିଲେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେପର୍ 2 ରହିଛି, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ 60 ମାର୍କ ଦେବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ 60, ଯେଉଁମାନେ ପିଟିରେ 60 ମାର୍କ ଦେବେ, ତ ସେଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ପେପର୍ 2 ଆସୁଛି, ସେଇଟା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 35% ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପେପର୍ 2 35% ରଖିବେ କେଉଁମାନେ, ଜେନେରାଲ SBC ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ SC ST PW ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବଜେକ୍ଟରେ 30% ରଖିବେ ତାହେଲେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ। ତ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 2019 ଆସିଥିଲା ସେଥିରେ ପେପର୍ 1 35% ଥିଲା, ପେପର୍ 2 ମଧ୍ୟ 35% ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା 25% କରିଛି। ତ ଭଲ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଚାନ୍ସ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଚାକିରି ପାଇବେ, ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫାଇ ପାଇଁ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରିବେ, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହିସାବରେ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୟାଲେରୀ କେତେ ରହିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୟାଲେରୀ ରହିଛି ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର୍ ଏବଂ ସାଂସ୍କ୍ରିତ ଟିଚର୍ ପାଇଁ ରହିଛି 16,880 ଟଙ୍କା ସ୍ୟାଲେରୀ ରହିବ। ତା'ପରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରୁଲ୍ ହିସାବରେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେବ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚର୍ PET ପାଇଁ 10,000, PET ପାଇଁ 10,000 ରହିଛି, ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କ୍ରିତ ପାଇଁ 16,880 ଟଙ୍କା ଦରମା ମାସକୁ ମିଳିବ। ତା'ପରେ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ରହିଛି କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଏସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ଆମେ ପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଜରୁରୀ ନୁହଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମେନ୍ସନ୍ ରହିଛି, ମୁଁ ଏହାର PDF ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କରେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଏଇଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ଆପଣ ସେଇଠି ଯାଇକି ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇପାରିବେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ ପାଇଁ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗଞ୍ଜାମରେ ଟୋଟାଲ 121 ହିନ୍ଦୀ ରହିଛି ଟିଚର୍, ଆଉ 146 ସାଂସ୍କ୍ରିତ ଟିଚର୍, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି 105 PET ଟିଚର୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଏଭଳି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରହିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମେନ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିନେବେ, PDF ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ତ ତା'ପରେ ଦେଖିନେବେ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 150 ମାର୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, 150 ମିନିଟ୍ ମିଳିବ, ଆଉ 150 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ସବୁ MCQ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଆସୁନି ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ ତ ବେଟର୍ ହେବ। ତ ଏଇଠି 0.25 ମାର୍କ ଆପଣମାନେ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ରହିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି 4 କୋଶ୍ଚିନ୍ ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ମାର୍କ ମାଇନସ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ପେପର୍ 1 90 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆସିବ, ଇଂଲିଶରେ ଆସିବ, ତ ଆପଣମାନେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ିବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ଦୁଇଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ରହିବ, ଯାହାର ଚଏସ୍ ତା ସେ ଚୁଜ୍ କରିକି ସେ ଦେଖିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଏଇଠି ଆପଣ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ୍
एंड करंट अफेयर्स रहइबो रीजनिंग रहइबो कंप्यूटर लिटरेसी रहइबो आउ चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी रहइबो एजुकेशन मैनेजमेंट पॉलिसी इवैल्यूएशन ऊपर क्वेश्चन आसीबो एटा आपन 90 मार्क रहउ पेपर 1 तापर पेपर 2 आपन सब्जेक्ट ऊपर रहउ तो एटा आपन सब्जेक्ट रहउ तो पेपर 2 हिंदी क्वेश्चन आसीबो 60टा क्वेश्चन रहइबो 60 मार्क हबो ग्रेजुएशन लेवल रो क्वेश्चन रहइबो आउ आपन लैंग्वेज हिंदी भाषा नै आसीबो हिंदीटा तो हिंदी भाषा नै आसीबो तापर संस्कृत हो 60टा क्वेश्चन 60 मार्क एटा मध्य ग्रेजुएशन लेवल रो क्वेश्चन रहइबो आउ देवनागरी लैंग्वेज रे आपन क्वेश्चन रहइबो तापर देखु फिजिकल एजुकेशन टीचर पीट पे रहि 60टा क्वेश्चन 60 मार्क एटा आपन सीपीडी लेवल रो क्वेश्चन रहइबो काहे कि ना सीपीडी पिला मन मध्य देबे सेतमे सीपीडी लेवल रो क्वेश्चन रहइबो एटा ओडिया इंग्लिश दिटा भाषा आपन आसीबो आपन जो भाषा रे क्वेश्चन देखिबे से भाषा रे क्वेश्चन देखि पारिबे तो देखने बा आपनर क्वेश्चन केतुरी कोउतुर केते मार्क आसुछि तो जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स 30 मार्क बहुत भलो वर्तमान जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स ऊपर एई वर्ष फोकस करछि या पूर्व वर्ष 2019 रे आपन मानकर रहितला 20 मार्क थिला करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज वर्तमान एटा को 10 मार्क वृद्धि करछि तो करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज 30 मार्क रहइबो रीजनिंग 20 मार्क रहइबो एटा 30 थिला पूर्व 20 रखछि कंप्यूटर लिटरेसी 10 मार्क या पूर्व मध्ये थिला वर्तमान भी अछि सेम अछि पेडागोजी सेक्शन 40 थिला वर्तमान एटा 30 कर देछि तो पेडागोजी 40 मार्क आसतुला वर्तमान 30 मार्क कर देछि आपन मानकर तो पेडागोजी 30 मार्क रहइबो टोटल आपन माने 60 मार्क रहउछि तो आपन मानकु पेडागोजी जेतिक इम्पोर्टेंस दउछो करंट अफेयर्स एंड जीके सेक्शन मधे सेतिक इम्पोर्टेंस देबाकु पडिबो तो करंट अफेयर्स वीडियो एवं पेडागोजी सेक्शन समस्त वीडियो मु डेली अपलोड करुछि आमर सिनेटीवी ओडिसा यूट्यूब चैनल रे आपन प्रिपरेशन करि परबे हां करंट अफेयर्स पई मु करंट अफेयर्स जीके रो पीडीएफ मधे फ्री ऑफ आपन डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट देबी तो आपन माने टेलीग्राम चैनल जॉइन करले सेठी समस्त पीडीएफ पाई परिबे तो तापर देखो सब्जेक्ट रही समस्त 60 मार्क रही है टोटल आप 60 मार्क सब्जेक्ट रोचे अलरेडी मुझे सारी यही भिडियो आप टोटल 150 मार्क एग्जाम आपर कंडक्ट करें ये भिडियोटा बहुत लंग है तो से आम नेक्स्ट भिडियो डिस्कसन करवा आपर जो कौन के मार्क आसो करंट अफेयर्स कौन कौन पढ़े आपण मैं रही रिजनिंग में कौन कौन क्वेश्चन आसपर आपर कंप्यूटर कौन पढ़े समस्त डिटेल्स सिलेबस आम नेक्स्ट भिडियो डिस्कसन करवा तो फ्रेंड्स ये किसी इंपोर्टेंट इनफर्मेशन जब भिडियो भल लगी है तो गोटे लाइक करेंगे और अधिकार अधिका मात्रा कृपया सांगसाथी निहत भावे शेयर करेंगे तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।